CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम मौत का पहाड़। इचिरो और चिरो दो भाई थे। दिन भर वो अपने खेतों में काम करते थे। शाम को जब वो घर लौटते, उनकी माँ सुमी मुस्कुराते हुए उनका स्वागत करती थी। आओ मेरे बेटे, आओ, भोजन तैयार है, आ जाओ। आए माँ। हाँ माँ, आ गए। पर कुछ दिनों से इचिरो और चिरो उदास रहने लगे थे और वे अक्सर खिड़की में से दूर कोहरे से घिरे पहाड़ की ओर देखा करते थे। सत्तर वर्ष के होते ही सब बूढ़ों को उनके बेटे इसी पहाड़ पर लाकर छोड़ जाया करते थे। ये नियम उस राज्य के राजा ने बनाया था। इसके पीछे विचार ये था कि जब बूढ़ों में योग्यता और ताकत खत्म हो जाती है, वो परिवार और समाज पर बोझ बन जाते हैं। इस नियम में ये बात भुला दी गई थी कि बूढ़े लोग अपना वर्षों का अनुभव और ज्ञान अपने बच्चों को दे सकते हैं। और एक शाम सुमी ने अपने बेटों से कहा, मेरे बच्चों, हाँ माँ, आज पूरनमासी है, आज मैं 70 वर्ष की हो गई। माँ, अब इस राज्य के नियम के अनुसार कल तुम मुझे उस पहाड़ पर पहुंचा आओ जहां से कोई लौट कर नहीं आता। माँ, माँ, हम ऐसे शब्द नहीं सुन सकते। माँ, माँ, तुम जो इतनी चुस्त दुरुस्त और बुद्धिमान हो, तुम्हें हम वहां पहुंचाए। मेरे बच्चों, कानून से तुम कैसे लड़ोगे? माँ, मेरे बच्चों, मेरे बच्चों। कोई चारा न था और अगली सुबह सुमी ने बड़े प्यार से अपने घर को घूम घूम कर देखा। कपड़े सब दुरुस्त हो गए, मैंने आखिरी खाना भी बना दिया। उसकी डोली तैयार थी और यात्रा शुरू हो गई। धीरे धीरे, आराम से। जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ते जा रहे थे, सुमी रास्ते के किनारे पर उगे हुए सरकंडों को तोड़कर गिराती जा रही थी। ये ठीक रहेगा। वो खुद तो उस रास्ते पर वापस नहीं आने वाली थी, पर अपने बेटों के लिए लौटने के रास्ते पर निशान छोड़ती जा रही थी। ये यहाँ डाल देती हूँ, आगे चलकर ठीक है। और वो हमेशा की तरह उन्हीं के बारे में सोच रही थी। वो कोहरे से घिरी पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए। आराम से माँ। चुक चुक जियो मेरे लाडलो। माँ, लेकिन हाँ, ध्यान रखना, जिस राह से आए उसी से वापस लौटना। हाँ माँ, अलविदा माँ। प्राण प्यारी माँ, अलविदा मेरे बच्चों, अलविदा। अपना ध्यान रखना बच्चों, ध्यान रखना। इचिरो और चिरो झट से घूमे और लौट पड़े। समझदार और प्यारी माँ के बिना घर कितना सूना लगेगा। सही बोल रहा है भाई, बिल्कुल सही कहा। जिसने हमें जन्म दिया
दुख तकलीफ उठाकर हमें बड़ा किया, उसी का परित्याग करना पड़े। कितना भयंकर, कितना शर्मनाक। माँ, अंधेरा हो चला था और बर्फ भी गिरने लगी थी। उतावली में भाइयों ने छोटे रास्ते से नीचे उतरने का फैसला किया। भाई चलो छोटे रास्ते से चलते हैं। हाँ, सही कह रहा है, चल यहाँ से चलें। हाँ, चलो। अचानक बर्फ के फाहे घने होने लगे और जोरदार तूफान शुरू हो गया। भाई अब हम कैसे जाएंगे, हम कहाँ हैं? इचरो, हम रास्ता भटक गए हैं। आगे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, आगे कोई रास्ता नहीं है। और निराश होकर वो वापस पहाड़ की चोटी की ओर दौड़ पड़े। माँ, माँ तुम कहाँ हो? हम रास्ता भटक गए हैं माँ। माँ, माँ कहाँ हो तुम? बर्फ से सुन्न होकर अधमरी सी सुमी झाड़ियों के पीछे पड़ी थी, पर उसमें चेतना आई। बच्चों को मेरी जरूरत है। माँ, उठो। मेरे बच्चों, मेरे बच्चों। चलो माँ, चलो हमारे साथ चलो। इचिरो और चिरो ने उसे डोली में बैठाया और घर ले चले। वो देखो, टूटे हुए सरकंडे पड़े हैं ना, बस उसी रास्ते चलो मेरे बच्चों। हाँ माँ, हाँ बिल्कुल माँ, चलो चलो बेटा। बड़ी आसानी से और आत्मविश्वास के साथ सुमी उन्हें पहाड़ से नीचे ले आई। पहुंच गए ना, देखो तुम्हारी मदद से। और उनका घर आ गया। बच्चों, मेरे बच्चों। माँ, हम तुम्हें कभी नहीं जाने देंगे, कभी नहीं जाने देंगे माँ। मेरे लाडलो। माँ, चाहे हमें कुछ भी क्यों ना सहना पड़े, आज के बाद तुम्हें कभी कहीं नहीं जाने देंगे, कभी नहीं। मेरे लाडलो। माँ, अब से तुम यहाँ रहोगी, ठीक है? आराम से रहो माँ, आराम से। हाँ हाँ हाँ, मेरे बच्चों, आराम से रहूंगी, फिक्र मत करो मेरी। इचिरो और चिरो ने सुमी को झोपड़ी के पिछले हिस्से में छिपा दिया। वो तीनों बड़े आनंद से रहने लगे। एक दिन उस राज्य के राजा ने सभी परिवारों के पुरुषों को बुलवाया। ध्यान से सुनो, पहला काम यह है कि राख की रस्सी बनाकर लाओ। राख की रस्सी बनेगी भाई? तुम बड़ा मुश्किल काम है ये, तुमने कभी बनाया? इचिरो और चिरो ने इस अनोखे काम के बारे में सुमी को बताया। अरे बेटा, बड़ा आसान है। एक रस्सी लो, उस पर खूब नमक का पानी मलो। अच्छा माँ। हाँ, फिर उसे एक पत्रे पर रखो और आग लगा दो। जी। रस्सी जलने पर राख रह जाएगी, पर नमक की वजह से वो बिखरेगी नहीं। अच्छा। वाह माँ, वाह, क्या बात है। अगले दिन दरबार में। काम पूरा कर लाए? जी महाराज, ये देखिए। अति उत्तम, वाह। तुम्हारे नाम क्या हैं? महाराज मैं इचिरो। और महाराज मैं चिरो।
इचिरो और चिरो। जी महाराज। बहुत खूब, बहुत खूब। जी महाराज। और याद है ना, जो लोग ये काम नहीं कर पाए उन्हें जुर्माना भरना होगा। अरे नहीं, ये क्या हो गया? कहां से आएगा? और बाकी सब गांव वालों ने जुर्माना भर दिया। अब ध्यान से सुनो, दूसरा काम, एक शंख लाओ जिसके आर पार धागा पिरोया हुआ हो। शंख धागा पिरोया हुआ? सुमी के पास इस समस्या का भी हल था। बोली, देखो बच्चों, हाँ माँ, पहला कदम है एक चींटी को पकड़ना। चींटी? उसके पैर में धागा बांधकर उसे शंख के ऊपर वाले छेद में से अंदर जाने दो। ठीक है। फिर शंख के मुंह पर कुछ चावल के दाने रखो। जी माँ। चावल के दानों से आकर्षित होकर चींटी शंख में से अपना रास्ता बनाकर निकलेगी, तो धागा भी शंख के मुंह तक पहुंच जाएगा। अरे वाह माँ, क्या बात है माँ, वाह, कितनी समझदार हो। और राजा की खुशी की सीमा न रही। वाह चिरो और इचरो, वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। धन्यवाद महाराज, धन्यवाद। धन्यवाद महाराज जी, धन्यवाद। दूसरे गांव वालों को दोबारा जुर्माना भरना पड़ा। अरे ये क्या लगा रखा है, बार बार जुर्माना। अब तो अधी हो गई है, सच कहो। से नहीं होता, कहां से लाए पैसा। तीसरा काम था बांस के टुकड़े में जड़ और तने की ओर के सिरों को पहचानना। सुमी के उत्तर को दरबार में प्रयोग करके दिखाया गया। महाराज, बांस के टुकड़े को पानी में डालिए, जो सिरा तैरे वह तने की ओर का है और जो डूबे वो जड़ की ओर का है। लाजवाब, लाजवाब मेरे बच्चों, चिरो इचरो, इस बार भी तुमने काम कर दिखाया। धन्यवाद महाराज। जी महाराज। और सुनो जी, अगला काम, एक ऐसा ढोल लाओ जो बिना बजाए बजता हो। ढोल? ढोल बिना बजाए बजता हो? कैसे काम देते हैं किस गवाही के पास में। राजा का बताया ये काम भी बच्चों ने घर जाकर सुमी को बताया। कुछ देर सोचने के बाद सुमी हंसने लगी। देखो बच्चों, हाँ, अचार के इस डिब्बे का ढक्कन और पेंदा हटाने से वो दोनों ओर से खुल जाएगा। जी माँ। है ना। अब चमड़े के गोल टुकड़े काट कर इसके दोनों ओर मढ़ दो। मगर उससे पहले कुछ मधुमक्खियां अंदर छोड़ दो। अच्छा। हाँ, ये तो बहुत समझदारी का काम है माँ। हाँ बेटा। वाह क्या बात। जब राजा जी ने उत्सुकता से उस अनोखे ढोल को हाथ में उठाया तो अंदर वाली मधुमक्खियां घबरा कर उड़ी और चमड़े से टकराने लगी, जिससे धुप 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 धुप। वाह वाह, बहुत अच्छे। ढोल अपने आप बजने लगा। चमत्कार, चमत्कार। मेरे बताए सभी काम पूरे करने के उपलक्ष में, हे लड़कों। जी महाराज। चिरो इचिरो। जी महाराज। मैं तुम्हें
उगते हुए सूर्य का पदक प्रदान करता हूँ। महाराज रुकिए। क्यों? हम एक अपराध स्वीकार करना चाहते हैं। जी महाराज, दरअसल इस सम्मान के हकदार हम नहीं बल्कि हमारी माँ है, जिन्हें हमने अपनी झोपड़ी के पीछे छिपा रखा है। क्या? जी हाँ महाराज, हालांकि वे 70 वर्ष की हो चुकी हैं, पर हमने उन्हें नहीं जाने दिया। इस तरह हमने राज्य का नियम तोड़ा है। जी हाँ महाराज, क्षमा करें महाराज, क्षमा करें महाराज, क्षमा। तुमने राज्य का नियम तोड़ा है। जी महाराज। तब तो तुम्हें वही दिया जाएगा जिसकी तुम लायक हो। क्षमा दे महाराज, माफ कीजिए महाराज। तुम्हें क्षमादान दिया जाता है। क्षमादान? महाराज, महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। धन्यवाद महाराज। इचरो और चिरो। जी महाराज। आज मुझे बहुत बड़ी सीख मिली है। मैं अपने बनाए उस निर्दयी नियम को रद्द करता हूँ। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। धन्यवाद महाराज। महाराज, कृपा करके इन गांव वालों के दिए हुए जुर्माने को वापस लौटा दीजिए, क्योंकि ये बेचारे तो गरीब से गरीब तर हो गए हैं। बच्चों, मैं न सिर्फ इनके रुपए लौटाऊंगा बल्कि एक कोष स्थापित करूंगा जिसकी सहायता से ये अपने बूढ़े माँ बाप की अच्छी तरह से परवरिश कर सके। वाह महाराज, वाह। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। जय हो महाराज की। और जल्दी ही दरबार में सुमी, महाराज, तुम्हारी सूझबूझ और समझदारी के लिए और जो ममता तुमने अपने बच्चों को दी है उसके लिए मैं तुम्हारा सम्मान करता हूँ। महाराज, आभारी हूँ। अब से तुम और तुम्हारे ये लड़के मेरे शाही सलाहकार होंगे। शाही सलाहकार? महाराज की जय हो। धन्यवाद महाराज। महाराज की जय हो। धन्यवाद महाराज। महाराज की जय हो। जय हो महाराज की। और उस दिन से मौत का पहाड़ सूना पड़ा है, क्योंकि अब किसी अभागे बेटे को अपने प्यारे माँ बाप को वहां छोड़ने नहीं आना पड़ता। मौत का पहाड़। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। ये कार्यक्रम कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक दूरवा के एक पाठ पर आधारित है। ध्वनिंकन शानू मुक्सीम, कलाकार सुचित्रा गुप्ता, नीरज शर्मा, शालिनी सिंह, रक्षित और वैभव। आभार अजीत होरो। निर्माण, निर्देशन तथा ध्वनि संपादन विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।